नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया कि सर ओलेक्टेक इंटेक के ऊपर एक बार जरूर अपडेट्स क्या है जरूर शेयर करिएगा। तो ओलेक्टेक इंटेक के ऊपर मेरा जो खुद का अपडेट है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। देखिए चार्ट पैटर्न में फाइनली जो मेरा एंट्री लेवल था जहाँ पे मेरा एक ट्रेड बना था, देखिए एक्चुअली दो ट्रेड बना। पहला ट्रेड क्या है, एक रेंज ट्रेड के हिसाब से बना था। एक रेंज बना था टोटली 44% के आसपास। और मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ जब भी कुछ इस तरीके से कंटिन्यूअसली बाइंग कैंडल बने और वो भी 200 डेज के ऊपर बने, अगर वो निफ्टी 50 का कंपनी नहीं है तो उस कंपनी के ऊपर मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। और दूसरी बात, यहाँ पे जो रेंज बना है उस रेंज के हिसाब से अगर मैं मार्किंग करूँ कि टॉप लेवल और डाउन लेवल वो 20% के ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 40% के ऊपर है। और तीसरी बात, यहाँ पे एंट्री तब बनेगा जब इस नीचे लेवल में टच करेंगे, तो टच तो नहीं हुआ तो एंट्री नहीं बना। और उसके बाद मैं इंतजार कर रहा था कि सेकेंड टाइम वो करेक्शन हो रहा है तो शायद एंट्री लेवल में टच करने वाले हैं, मगर एंट्री अभी तक नहीं हुआ और उल्टा क्या हो गया, वह उल्टा एक कफ विद हैंड पैटर्न बन चुके हैं। तो कफ विद हैंड पैटर्न बना, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया। बहुत शानदार तरीके से टारगेट को अचीव किया और मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ है। और मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी को वो टारगेट होने के पीछे एक रीजन है, वो रीजन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूंगा। देखिए जो म्यूचुअल फंड वाले ने इस कंपनी के ऊपर कुछ बाइंग नहीं करके रखे थे, मतलब जीरो बाइंग था, वो धीरे धीरे करके क्या किया, इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग किया। और साथ ही साथ एफएस ने क्या किया, सॉरी एफएस ने भी, हाँ एफएस ने क्या किया, छोटा मोटा स्टेक यहाँ पे बेचा है, मतलब उतना ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे सेल अप नहीं किया। इसका मतलब बायर और सेलर का जो मतलब एक्टिविटी है और वो भी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, वो अच्छा खासा देखने को मिला। हाँ मान लेता हूँ प्रोमोटर के बाद पब्लिक के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है, फिर भी इस कंपनी अभी बहुत छोटा है, इसका बहुत बड़ा होने का हायर कैपेबिलिटी है क्योंकि कंपनी इलेक्ट्रिक बस बनाने वाला कंपनी है और गवर्नमेंट चाहते हैं कि जितने सारे ट्रांसपोर्टेशन सरकारी बसेस है उसको इलेक्ट्रिक बसेस करने के लिए बहुत बड़ा एक टारगेट लेकर चल रहा है। तो सोचिए ऑल ओवर स्टेट में, ऑल ओवर इंडिया में अगर सारे बसेस इलेक्ट्रिक हो जाए तो कितना बड़ा धमाका होने वाला है और कितना बड़ा ग्रोथ इस कंपनी का होने वाला है, आप एक बार सोचिए। इसीलिए जब से गवर्नमेंट इसको पुश कर रहा है तब से देखिए 375 से एक साल में 2000 तक चला गया। तो सोचिए कहां से कहां तक कंपनी जर्नी दिखा चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर मैंने ट्रेड रिसेंट जो लिया था उसके पीछे एक रीजन भी था, वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। फाइनली कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया और पिछले बार भी रिजल्ट बहुत शानदार था और जिसके वजह से मैंने ट्रेड लिया और कंपनी के देखिए प्रॉफिट भी 15 से 27 हो चुके हैं। और इस पिछले बार 19 करोड़ के आसपास था और इस बार 27 करोड़ के आसपास बनता हुआ देखने को मिला है। एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने के कारण मैं कंपनी के ऊपर एक पुलिस फील यहाँ पे जरूर कर चुका हूँ और इस कंपनी के ऊपर इसीलिए मैंने ट्रेड लिया। और एक मजेदार बात आप इस कंपनी के बारे में बताऊंगा तो और भी आपको सुनने में और देखने में बहुत अच्छा लगेगा कि कंपनी के जो बिजनेस है, इस बिजनेस में देखिए कंपनी का जो ग्रोथ है, कंपनी का ग्रोथ किस बेसिस में हो रहा है वो आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं जेबीएम ऑटो एंड ओलेक्ट्रिक इंटेक, इस दोनों कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। वो अपडेट क्या है, वो अपडेट है इस दोनों बसेस को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने का चांसेस है क्योंकि मैंने इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर आपने मेरे पिछले हफ्ते का वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिए जहाँ पे मैंने आपको डिस्कशन किया हूँ कि ओलेक्टा गिंटेक और जेबीएम ऑटो ये दोनों कंपनी को कितना बड़ा एक धमाका फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है येस बैंक। तो फाइनली येस बैंक के ऊपर फिर से एक बार टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए फिर से एक रेंज क्रिएट हुआ, वो रेंज कुछ इस तरीके से बने 32% के आसपास इस रेंज बने और 32% के आसपास रेंज बना, इसका मतलब जब भी इस लोअर लेवल को टच करेंगे तब एंट्री बनेगा और इस हायर लेवल तक टारगेट बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहले भी इस तरीके से कुछ पैटर्न बना था, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत टाइम लगा अराउंड 378 डेज, मतलब एक साल से भी ज्यादा, और कोई बात नहीं एक साल में कोई कंपनी मुझे 40% का रिटर्न दिया तो इसके लिए तो मैं एक साल तो जरूर रुक सकता हूँ। एक साल क्यों, 2 साल तक रुक सकता हूँ क्योंकि 2 साल में मुझे अगर 40% रिटर्न मिलता तो भी मुझे एवरेज रिटर्न साल में 20% के आसपास देखने को मिल जाते हैं। कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला है, इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी का आगे बढ़ने का हायर पोटेंशियल है और कंपनी एक रेंज के बेसिस पे काम हो रहा है,
इसी रेंज के बेसिस में कंपनी जब भी डीसी लेवल पर टच करेंगे तब ऊपर जाने का वो कोशिश करेंगे, तो और यहाँ तक इसका टारगेट रहेगा। अभी ये देखना है कि कंपनी ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, क्योंकि कंपनी का अगर प्रीवियस डेटा के बारे में बात करूं तो कंपनी इसके ऊपर एक शानदार तरीके से एक लंबा जर्नी होने के लिए कंपनी तैयारी कर रहा है, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक बड़ा सा एंट्री लेवल्स बनने जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे यहाँ से देखा जाए तो कंपनी एक बिग हेड और उसके बाद अगर शोल्डर पैटर्न क्रिएट करे तो एक बड़ा सा जर्नी देखने को मिल सकता है। तो मैं इस बड़ा सा जर्नी को अभी अवॉइड करूंगा, क्योंकि इतना लंबा जर्नी अगर ब्रेकआउट करे तो एक जर्नी तो अच्छा जम तो अच्छा खासा दिखेगा, क्या सही में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है इस तरीके से जम करने के लिए, चलो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो रेवेन्यूज अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, और आप देख सकते हैं पिछले सालों के तुलना से इस बार कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ चुके हैं। एक इंटरेस्ट भी कंपनी पेमेंट किया है, उसके बाद नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। और नेट प्रॉफिट देखिए जो पहले नेगेटिव में था इस बार वो पॉजिटिव में भी है, और पिछले सालों की तुलना से इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिला। उसके साथ साथ कंपनी खुद के एनपीए को भी कम किया, जितना एनपीओ बैंकिंग सेक्टर में कम होंगे उतना ही उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है इस सारी चीजों में आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आपको इस सारी चीजों को जानने का जाना चाहिए, क्योंकि अगर ना सारी चीजों को पढ़कर ना सारी चीजों को देखकर आप ट्रेड लेंगे तो बुरी तरीके से फंस भी सकते हैं। तो देखिए मेरे तरफ से कोई भी वीडियोस में रिकमेंडेशन नहीं है, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ मैं सारे चीजों को आपको समझा सकूँ, सारे चीजों के ऊपर डिटेल्स में आपके साथ अपडेट दे सकूँ। किसी कंपनी के ऊपर डिटेल्स वीडियो चाहिए, मतलब इन डेप्थ वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स करिए, उसके ऊपर मैं स्पेशली आपको वीडियो जरूर शेयर करूंगा। और फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मेरा जो राय है, मेरा खुद का जो राय है मैं बता दूं, कंपनीज के ऊपर बिजनेस के हिसाब से बात करें तो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर है, बैंकिंग डिपॉजिट धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले, और सबसे मजेदार पॉइंट्स क्या है आप जानते हैं, कंपनी के जो मार्केट शेयर है इनमें 21% आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम इसके पास है। 21% मार्केट शेयर किस तरीके से कैप्चर किया है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा सर येस बैंक आधार एनेबल सिस्टम कौन लोग आधार के लिंक करके पेमेंट कर रहे हैं? देखिए शायद आपको पता नहीं है, जो लोग फोन पे यूज करते हैं, मतलब यूपीआई जो फोन पे है तो फोन पे जो यूज करते हैं उसका पेरेंट बैंक कौन सा है, कौन बैंक के साथ उन्होंने टाई अप करके काम कर रहा है? येस बैंक के साथ, और यही लिंक इसके साथ हुआ है जिसके कारण आपको देखने को मिला आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्योंकि आप जब फोन पे ओपन करेंगे तब वहां पे आपको केआईसी रजिस्टर करना पड़ेगा, जब केआईसी रजिस्टर करेंगे तो वहां पे क्या होगा आपका यहाँ पे टोटली लिंक इजीली हो जाएगा। तो मतलब उसी कारण के वजह से एनेबल आधार एनेबल सिस्टम में कंपनी का पेमेंट सिस्टम में 21% मार्केट से लेकर रखा है, इसलिए मैं इस बैंक के ऊपर बुलिश हूँ। क्योंकि फोन पे जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है ऑब्वियसली अच्छा खासा ग्रोथेबल फ्यूचर में अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, क्योंकि पेटीएम का हालत थोड़ा सा बिगड़ चुके हैं और पेटीएम के ऊपर लोगों का जो भरोसा है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, और इसी कारण के वजह से मुझे लग रहा है बाकी फोन पे और गूगल पे ये दोनों यूपीआई सिस्टम अच्छा खासा तेजी से ग्रोथ कर रहा है, तो इसके ऊपर फोकस रखिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें उसका नाम है कैम्प्स। देखिए कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, देखिए कैम्प्स के ऊपर एक चीज को ध्यान रखना होगा, कैम्प्स एक ऐसी कंपनी है जो एक मोनोपोली जैसा बिजनेस एंजॉय करता है, क्योंकि कंपनी एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है, मतलब आप कोई भी म्यूचुअल फंड कर ले उसके जो ट्रांसफर करना है उसका मतलब एक म्यूचुअल फंड जब करेंगे आप तो जब बाय सेल करेंगे तो ये जो ट्रांजेक्शन है इस ट्रांजेक्शन साथ ही साथ आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं ये जो ट्रांजेक्शन प्रोसीड्योर है इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कौन कराते हैं? कैम्प्स कराते हैं। तो कैम्प्स एक मोनोपोली जैसे बिजनेस एंजॉय कर रहे हैं, उसी वजह से मुझे लग रहा है कैम्प्स के ऊपर एक अच्छा खासा धमाका आने वाला है। तो बहुत दिनों के इंतजार करने के बाद मुझे एक पैटर्न्स मिला जो है कफ विद हैंडल पैटर्न्स, और उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट किस तरीके से हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट कन्फर्मेशन किया। हमेशा जब भी इस तरीके से कोई पैटर्न आपको दिखे दो चीजों को ध्यान रखना होगा, पहले ब्रेकआउट चाहिए उसके बाद कोई ब्रेकआउट कन्फर्मेशन चाहिए। अब ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होता क्या है, जो जितने सारे न्यू सब्सक्राइबर है उसके लिए बता दूं कि ब्रेकआउट कन्फर्मेशन का मतलब है जो कैंडल ने ब्रेकआउट किया उसके टॉप में मार्किंग करना, उसके ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, रेड कैंडल नहीं ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, तो उसी को कहा जाए कन्फर्मेशन। तो जब नीचे रिटेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर गया, और जो प्रीवियस इसका स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस है उसी रेजिस्टेंस को बार बार फेस कर रहा है, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस को फेस करके अगर ब्रेकआउट करे तो 3300 इस लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। अगर एंट्री लेवल से टारगेट तक मिले तो 24% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है।
अभी कब मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं। मैंने टेंटी किस बेसिस में लिया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और हाँ, टेंटी इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी का रिजल्ट मुझे बहुत शार्प और शानदार देखने को मिला। अच्छा खासा रिजल्ट पब्लिश किया 71 से 86 करोड़ के आसपास। ये था कुछ कंपनीज के अपडेट। प्लीज इस वीडियो को एज अ रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। क्योंकि आप अगर रिकमेंडेशन के हिसाब से लेंगे तो मुझे वीडियो बनाना मतलब मेरा जो मकसद है आपको सिखाने का वो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग सीख कर काम करिए यही मेरा मकसद है। तो प्लीज एक बार स्टडी करिए, अगर किसी कंपनी के ऊपर काम करना है आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एसजी मार्ट लिमिटेड। तो एसजी मार्ट लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है फिर भी इसका प्राइस डबल के आसपास है। और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है वो है बोनस का। तो कंपनी हर एक के बदले एक शेयर बोनस देने वाला है और वो भी 22 तारीख को, फरवरी के 22 तारीख में कंपनी आपको बोनस देने वाला है। जितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो प्लीज एक बार रिसर्च करके करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।